जो ये कहते रहे हैं कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास जंग लड़ने के लिए डीजल नहीं है, या तो इसको क्लैरिफाई करें। अगर क्लैरिफाई नहीं करते तो भारत से रिलेशनशिप ठीक करो अपने। सर अभी फिर जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं कश्मीर में और दूसरी जगह पे इंडिया में, तो वो क्यों ट्रेड ओपन करेंगे, वो क्यों बात करना पसंद करेंगे? अभी तो इंडियंस जो हैं दे विल बी पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, दे विल बी मेकिंग जिसे कहते हैं ना रेलवेज इन मिडल ईस्ट, और जिसे आप ये कह लें कि अगर रेलवे प्रोजेक्ट्स बनाता है इंडिया वहाँ पे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फिर क्या आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है। इट्स अ वेरी वेरी का समझता है कि एक एडवर्सरी, उसका जो मेन एडवर्सरी है वो चाइना है, और उसके लिए वो भारत को साथ मिला के क्वाड वगैरह और ये पैसिफिक और साउथ चाइना सी में वो चाइना के लिए खासी चैलेंज बना रहा है। अगर इंडिया और पाकिस्तान अपने मामलात को कुछ हद तक ठीक कर लें तो यहाँ पे ट्रेड की भी गुंजाइश होगी और उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो पाकिस्तान होगा। इसमें अगर पाकिस्तान की तरफ से इंटेंशन अगर ये होती कि हमने इंडिया के साथ जो है वो कोई ब्रेक थ्रू करनी है, तो उसमें बिलावल को इन मौजूदात पे बात करने की जरूरत ही नहीं थी। चीन अरब के देशों में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता था, लेकिन भारत और अमेरिका ने मिलकर एक ऐसा दांव चला है कि चीन आउट हो गया है। अब सारे अरब देशों को जोड़ने वाली बड़ी रेल परियोजना भारत बनाएगा और अमेरिका पैसा लगाएगा। भारत के इस बढ़ते हुए वैश्विक ताकत की चर्चा आइए सुनते हैं। कहा गया ये कोई अभी इंडिया अटैक कर देगा, अभी इंडिया हमला करेगा, भारत खा जाएगा। चार जंगें की चारों की चारों आपने खुद शुरू की। अब इसके बाद अब मैं ये फैसला करने वालों से पूछूंगा, या तो उन लोगों को सजा दें जो ये कहते रहे हैं कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास जंग लड़ने के लिए डीजल नहीं है, या तो इसको क्लैरिफाई करें। अगर क्लैरिफाई नहीं करते तो भारत से रिलेशनशिप ठीक करो अपने, ठीक करो आगे जितनी यहां पे ट्रेड शुरू करो यार। पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो, इस वक्त एशिया में सबसे महंगा कंट्री आपका है, श्रीलंका से भी ज्यादा महंगा आपका कंट्री, लोग गुर्बत से भाग के छोड़ छोड़ के मुल्क भाग रहे हैं यहां से। तो यहां लेकिन सर अभी फिर जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं कश्मीर में और दूसरी जगह पे इंडिया में, तो वो क्यों ट्रेड ओपन करेंगे, वो क्यों बात करना पसंद? अगर रेलवे प्रोजेक्ट्स बनाता है इंडिया वहां पे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फिर क्या आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है। इट्स अ वेरी वेरी देखिएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो चीज़ें टर्न अराउंड की हैं ना मिडल ईस्ट में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बड़े स्मार्टली चीज़ों को टर्न अराउंड कर दिया है, और आप ये देखिएगा कि उनको समझ आ गई है चाइनीज़ को, इंडियन अमेरिकन को, कि भाई मिडल ईस्ट के ये जो सऊदी इंडियंस इतने करीब हो रहे हैं, सो इंडिया को इसका पार्टनर बनाया जाए। एक तो दे हैव अ पोटेंशियल, सेकेंडली दे हैव रिसोर्सेज, थर्ड दे हैव अ डायस्पोरा, फोर्थ the middle eastern countries are comfortable, fifth the important thing is for long the saudis and the middle eastern countries have been engaging, they need a partner outside the region, and every middle eastern country jo gulf ke mamalik hain, they are very happy to welcome india. demographic dividend india ko mil raha hai, g20 mein sabse zyada tez population fastest growing economy hai india, थर्ड लार्जेस्ट की पॉसिबिलिटी है 2030 तक। 2030 इज़ नॉट दैट फार अवे, ये 5 साल की बात है। मोदी साहब का ये टर्न ख़त्म हुआ, ये टेन्योर ख़त्म होना है 2024, अगर इफ़ ही विंस इन 2024, तो बाय 2029 मोदी साहब के होते होते दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी, तो आप ये समझे मोदी इफ़ ही विल बी इन अ गुड हेल्थ, अगर उनके पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे अलाउ, तो ये 2034 तक भी 34 तक भी जा सकता है। सो इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सिचुएशन, और ये आपको पता है ये पाकिस्तान के लिए लार्जली ये बड़ी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। सो अब ये जो अमेरिकन ये समझते हैं कि भाई हमें इंडिया की इस डेमोग्राफिक डिविडेंड से फ़ायदा लेना है, इंडिया को कनेक्ट करना है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है, सो पहली अगर अमेरिका है, दूसरी चाइना है, तीसरी इंडिया, सो वो कहते हैं कि जितनी भी इकॉनमीज हैं उनसे हमें अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। अब अगर एप्पल है या जो बाकी हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रहे हैं, और जारी बात है वो किसके एक्सपेंस पे कर रहे हैं, चाइना के एक्सपेंस से। जो यूएन की रिपोर्ट अगर आप देखें तो अब कहा जा रहा है कि
पूरा पावरफुल एशियन जायंट बनने जा रहा है इंडिया, का समझता है कि एक एडवर्सरी उसका जो मेन एडवर्सरी है वो चाइना है, और उसके लिए वो भारत को साथ मिला के क्वाड वगैरह और ये पैसिफिक और साउथ चाइना सी में वो चाइना के लिए खासी चैलेंज बना रहा है। चाइना डेथ ये अपने डेट ट्रैप में मुल्कों को इन्वॉल्व कर लेता है, और डेट ट्रैप के बाद फिर उन मुल्कों को कर्जे से निकलना मुश्किल हो जाता है। उसके साथ साथ तो उन्होंने पाकिस्तान का भी कहा कि पाकिस्तान दोस्ती का कहता है इतना जी चाइना से ताल्लुकात है, तो कर्जे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों से मांग रहा है, तो चाइना क्यों नहीं ये आगे बढ़ता मदद करता। तो वो गालिबन ये जो क्रिटिसिज्म था उसको उन्होंने एड्रेस किया, और इस चीज़ का भी उन्होंने जिक्र किया कि ये जो डेट ट्रैप की बात की जाती है, उन्होंने कहा कि डेट ट्रैप अगर उन मुल्कों को श्रीलंका या दूसरे मुल्कों की जिनकी बात की जाती है कि वो डेट ट्रैप में थे वो छोड़, चाइनीज जो हैं उनको दे वांट के वो चाहते हैं कि इंडियंस को माइनस किया जाए हर जगह से, लेकिन जारी बात है इंडिया का अपना एक क्लाउड है, इंडिया की अपनी इकॉनमी है, जैसे मैंने बताया G20 की थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी तेज तरीन इकॉनमी है, और चाइनीज जो हैं वो फॉर अ मोमेंट उनको उनकी इंग्रेस बढ़ती जा रही है। अमेरिकन्स कह रहे हैं कि हम डी कपल नहीं करेंगे, डी रिस्क करेंगे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द चाइनीज टू ट्रांसलेट फॉर द अमेरिकन्स टू ट्रांसलेट इन फैक्ट कि वो चाहते क्या हैं चाइना से। वो चाइना की ह्यूमन राइट्स की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं लेकिन कोई उनको खातर खा फ़ायदा नहीं हो रहा। चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है द मुस्लिम वर्ल्ड इज साइलेंट ऑन दैट एंड द अमेरिकन्स हैव फेल्ड टू रेज अ क्वेश्चन ऑन दिस एज वेल। बट अमेरिका जितनी तेज़ी से जिसे कहते हैं ना कनेक्ट करेगा, इट्स ऐसे समझ रहे हैं कि अमेरिकन्स आर टेकिंग ए डेस्परेट अटेम्प्ट्स ले रहे हैं कि इसमें अगर पाकिस्तान की तरफ से इंटेंशन अगर ये होती कि हमने इंडिया के साथ जो है वो कोई ब्रेक थ्रू करनी है तो उसमें बिलावल को इन मौजूदात पे बात करने की जरूरत ही नहीं थी। उसमें वो बात यहाँ से स्टार्ट करते कि हम इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किस तरह जो है वो एक नई शुरुआत कर सकते हैं और हमारे रास्ते में जो मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज हैं उनको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे, बजाय इसके कि एकदम उठा देना जी कि इंडिया 370 हटाए नहीं तो हम बात ही नहीं करिए। ये तो एक वो गोठ में जलसे की वाली कैफियत हो गई ना किसी सिंध के किसी देहात में जाके लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं। ये इस तरह का डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं थी, उनको ये चाहिए था कि वो कहते कि हम इस बड़े हिस्टोरिकल फोरम पे आए हैं, यहाँ इस मुल्क की बड़ी बड़ी सारी ताकतें जो हैं दे आर स्टार्टिंग ए न्यू एरा और उसमें इंडिया पाकिस्तान को अपने रास्ते में अपनी पुरानी और फरसुदा सोचें रुकावट नहीं बनानी चाहिए। हमें एहसास है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़े बड़े डिस्प्यूट हैं विदाउट नेमिंग इट, और मुझे यकीन है कि हम एक दिन उनको एड्रेस करने के काबिल होंगे, बट लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिविज्म कि हम कहाँ से जो है वो नई बिल्ड कर सकते हैं। तो उसमें अगर शंकर साहब इस तरह की बात उठाते तो फिर बात होती ना। आप जब बात ही ऐसी करते हैं जैसे आप वहां से सींगों के साथ, हमारे वो पहाड़ी जबान में एक मुहावरा है सींगों के साथ मट्टी मल के आए हुए हैं घर से कि हमने लड़ना ही लड़ना है, तो फिर अगले ने भी तो वो सींग ही दिखाने होते हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।